एक दुआ है जिसको दुआए हाजत कहते हैं। अगर कोई शख्स बहुत मुश्किल में मुबतला है और उसकी हाजत कोई पूरी नहीं हो रही, ख़ा वो औलाद का मसला है, ख़ा वो शादी का मसला है, ख़ा वो बेरोज़गार है, रोज़गार का मसला है, या कोई हज़ार हा किस्म की हाजतें हैं इंसान की, परेशानियाँ, तो किसी भी किस्म की अगर कोई परेशानी हो, तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बबरकात ने जो दुआ अता फरमाई है, उस दुआ को दुआए हाजत भी कहते हैं, उस दुआ को दुआए वसीला भी कहते हैं। तो दुआए हाजत के तौर पे आप अलैहिस्सलाम ये दुआ रफ़ हाजत के लिए बहुत मुफीद और मौसर है, और इस दुआ को हर नमाज के बाद एक मरतबा पढ़ने का जो मामूल बना ले, तो अल्लाह ताला उसकी ज़रूरियात ख़जाना गैब से पूरी फरमा देता है, खैर व बरकत भी अल्लाह ताला उसे अता कर देता है। अब इसके दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि उसे चाहिए कि चांद माह की पहली जुमेरात को इस दुआ की पढ़ाई इस तरह शुरू करे कि पाक साफ लिबास पहने और बावजू होकर इस दुआ को खुले आसमान तले खड़े होकर 21 मरतबा पढ़े, फिर अल्लाह ताला से अपनी हाजत के लिए दुआ करे। खुले आसमान तले खड़े होकर 21 मरतबा पढ़े और इस अमल को 21 रोज़ जारी रखे। ये थोड़ा लंबा अमल है। इस दौरान उसकी हाजत पूरी हो जाएगी 21 दिनों में। ये दुआ ज़रा तफसीली दुआ है, या अल्लाह या अहद या वाहिद या मौजूद या जवाद या बासित या करीम या वहाब या जत्तौल या गनी या मुगनी या फत्ताह या रज़ाक या अलीम या हकीम या हय्यु या क़य्यूम या रहमान या रहीम या बदी समावाति वल अर्द या ज़ल जलाल वल इकराम या हन्नान या मन्नान नफ़िहनी मिनका बिनफ़खतिन बिनफ़हतिन खैरिन तुगनिनी बिहा अम्मन सिवाक इन तस्तफ़तहु फ़क़द जाकुमुल फ़तहु इन्ना फ़तहना लक फ़तहन मुबीना नसर मिनल्लाहि व फ़तहुन करीब अल्लाहुम्मा या गनी या हमीद या मुब्दी या मुईद या वदूद या ज़ल अर्शिल मजीद या फ़आल लिमा युरीद इक्फ़िनी बिहलालिक अन हरामिका वग़निनी बिफ़ज़लिक अम्मन सिवाक वाहफिज़नी बिमा हफिज़ता बिहि ज़िक्रा वंसुरनी बिमा नसरता बिहि रुसुला इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। इस एक दुआ में बहुत सारी दुआएं आ चुकी हैं। अगर किसी आदमी पे बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, तो कर्ज़ की अदायगी के लिए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर पहाड़ों जितना कर्ज़ भी हो तो अल्लाह ताला अदा कर देता है, अपनी बारगाह से अता कर देता है। वो दुआ है अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका वाग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक, ये भी इसमें आ गई है। तो इस दुआ को अगर कोई पढ़ता रहे तो उसका कर्ज़ ख़जाना गैब से अल्लाह ताला अता फरमा देता है। इसी तरह एक वजीफ़ा और, वो दुआए वसीला है। जब कोई बहुत बड़ी मुश्किल किसी पे आन गिरे तो वो दुआए वसीला पढ़े। एक सहाबी रसूल की निगाह चली गई थी, वो हुज़ूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में हाज़िर हुए और अर्ज़ की, हुज़ूर मेरी निगाह चली गई, तो आप अलैहिस्सलाम ने उनको दुआए वसीला अता फ़रमाई थी। ये सियासत्ता में मौजूद है। बाद में हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रदी अल्लाह तआला के पास एक शख्स आया कि मेरी एक मुश्किल है, तो आपने फरमाया ये दुआए वसीला पढ़। उसने पढ़ी तो उसी वक्त उसकी मुश्किल हल हो गई, और आज तक ये मामूल है उस दुआए वसीला को। कोई शख्स अगर उसको दो रकत नमाज नफल पढ़ने के बाद उस दुआए वसीला को पढ़ ले, और अगर 100 मरतबा पढ़ ले, तो फिर तो क्या ही बात है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बि नबीका मुहम्मदिन नबीर रहमा व या मुहम्मद इन्नी कद तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हाजिही लितुक्दाली अल्लाहुम्मा फशफ़िहु फिया। जिस वक्त ये लफ्ज़ कहना है ना आखिरी, अल्लाहुम्मा फशफ़िहु फिया, तो इसके आगे अपनी हाजत बयान कर दे कि या अल्लाह मेरी ये मुश्किल आसान फरमा दे, मेरी ये मुश्किल आसान फरमा दे। तो ये अगर कोई शख्स दो रकत नमाज नफल पढ़ के ईशा के बाद 100 मरतबा ये दुआ पढ़ ले, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी अल्लाह ताला इस दुआ के सदक़े से, क्योंकि ये दुआए वसीला है, इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इल्तिजा है, अल्लाह ताला की बारगाह में भी इल्तिजा है, और हुजूर की बारगाह में भी दरख्वास्त है कि हुजूर आप मेरी मुझ गुनाहगार की सिफारिश रब की बारगाह में पेश करें,
और वलव अन्नहुम यज़लमू अनफुसहुम जाऊ का उसके ऊपर अमल भी है कि हजूर का वसीला लेकर रब की बारगाह में जब दुआ की जाती है तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब नबी पाक का वसीला पेश किया था तो अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की दुआ को भी शर्फ़ कबूलियत अता की थी। उनकी औलाद में से जब कोई हजूर का वसीला पेश करके दुआ करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बरकात वो कबूल फरमाएगी।